स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं रुक्षा और आज मैं आपको सिखाऊंगी भेटकी माचे चॉप। भेटकी माचे चॉप बनाने के लिए जो जो चीजें लगेंगी वो है अंडा, ब्रेड क्रम, कॉर्नफ्लावर, कटे हुए प्याज, बोनलेस भेटकी फिश बॉईल किए हुए, बॉईल्ड मैश्ड पोटैटो, हल्दी पाउडर, नमक, शक्कर, तेज पत्ता, घी, कटे हुए टमाटर, कटे हुए लहसुन, गरम मसाला, रोस्टेड मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, कुटी हुई हरी मिर्च, किशमिश, कटे हुए अदरक। और इसे पकाऊंगी मैं दो किस्म के तेल से। पहले मैं इसे भूनूंगी सरसों के तेल में, फिर मैं इसे फ्राई करूंगी व्हाइट ऑयल में। कढ़ाई में जरा सा सरसों का तेल डालूंगी। तेल गरम हो चुका है, पहले मैं तेल में डालूंगी तेज पत्ता, कटे हुए प्याज। मछली के क्वांटिटी के मुताबिक मैं इसमें लहसुन डालूंगी। इसके बाद डालूंगी कटे हुए अदरक। अदरक, लहसुन, प्याज तीनों ही डाल दिया मैंने। शैलो फ्राई होने दीजिए, तब तक मैं टमाटर डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें किशमिश डाल दिया। उसके बाद एक एक करके कुटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ता, फाइनली बॉईल किया हुआ बोनलेस भेटकी। इसके बाद मछली को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करूंगी। मिक्स हो चुका है, कलर लाने के लिए इसमें जरा सा हल्दी डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए, लाल मिर्च पाउडर भी अपने हिसाब से डालिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने हरी मिर्च भी डाली है, नमक डालूंगी, शक्कर। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। इसके बाद उबाले हुए आलू इसके साथ मिला दीजिए। अब इस आलू को अच्छी तरह से मछली के साथ मिक्स कर दीजिए। आलू मैंने इसलिए डाला ताकि बाइंडिंग अच्छी तरह से हो। आलू और मछली अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। फाइनली मैं इसमें और दो मसाले ऐड करूंगी, रोस्टेड मसाला पाउडर हल्का सा ऐड करूंगी, गरम मसाला पाउडर भी जरा सा दूंगी और लास्टली मैं इसमें घी डालूंगी। हाफ टेबल स्पून इज इनफ। अगर लगे कि ये स्टफिंग थोड़ा सा लूज है तो इसे टाइट करने के लिए इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब ऐड कर सकते हैं। मछली की स्टफिंग रेडी है। इसे अच्छी तरह से प्लेट में स्प्रेड कर लीजिए जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। दो अंडे लिए हैं। अंडे में एक चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया। अंडे और कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। व्हाइट ऑयल यूज करूंगी फ्राई करने के लिए। तेल थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि डीप फ्राई करना है। ब्रेड क्रम को प्लेट में अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। कटलेट के शेप में रोल कर लीजिए। बैटर में डिप कीजिए। हल्का डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में रोल कर लीजिए ताकि एक कोटिंग बन जाए। तेल गर्म हो जाने के बाद एक एक करके कटलेट धीरे धीरे तेल में डाल देना है। एक तरफ फ्राई हो चुका है, इसे धीरे से पलट देंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे। भेटकी फिश का यम्मी कटलेट रेडी है। स्पाइस बॉक्स में आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर हो जाऊंगी एक नई रेसिपी लेकर। टिल देन बाय बाय।